दोस्तों, एक वक्त था जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को अंग्रेजों ने लूटा था, लेकिन आज वक्त ने करवट ली है। आज अंग्रेज कई मामलों में भारत से पीछे हैं। हालिया गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में भारत को लूटने वाले अंग्रेज के अलावा अपने तेल के भंडार पर घमंड करने वाला सऊदी अरब भी भारत से पीछे है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में फोर्ब्स की ओर से गोल्ड रिजर्व बैंकिंग की एक सूची जारी की गई है, जिसमें शीर्ष के 10 देशों में भारत ने अपनी जगह बनाई है, जबकि यूके और सऊदी अरब जैसे देश इस सूची में शीर्ष के 10 देश में शामिल नहीं हैं, जो साबित करता है कि विलासितापूर्ण जीवन जीना और अनियंत्रित खर्च न सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, एक परिवार, एक गांव या शहर, बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले 10 देशों के बारे में जानेंगे जिसे फोर्ब्स के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि गोल्ड रिजर्व आखिर एक देश के लिए क्यों जरूरी होता है, इसका लाभ किसी देश को किस तरह से मिलता है, क्या होता है गोल्ड रिजर्व। क्योंकि दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग गोल्ड रिजर्व से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम इन तमाम चीजों को समझते हुए दुनिया के 10 सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट और खास है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोल्ड रिजर्व होता क्या है और कैसे ये किसी देश के काम आता है। बता दें कि गोल्ड रिजर्व से सीधा सीधा आशय सोने के भंडार से है, और दुनिया भर के तमाम देश अपने पास सोने का भंडार जमा रखते हैं। दरअसल सोने का भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में एक बेहद ही अहम भूमिका निभाता है। सीधे तौर पर आप यूं समझ लें कि अगर कभी भी किसी देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगता है, यानी कि कोई भी देश अगर आर्थिक संकट से जूझता है, तो वो अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर इस तरह के मुश्किल हालातों से बाहर निकलता है। विशेष रूप से कोई भी देश वित्तीय अनिश्चितताओं के समय में मूल्य के भरोसेमंद भंडार के रूप में अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। बता दें कि किसी भी देश के लिए सोने को देश की मुद्रा की तरह अस्थिर नहीं, बल्कि स्थिर संपत्ति माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर गोल्ड रिजर्व होता क्या है और ये किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए अब हम ये जान लें कि फोर्ब्स ने हाल ही में जारी किए गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में किन देशों शामिल किया है और कौन कौन से देश शीर्ष के 10 देशों में शामिल हैं। गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में शीर्ष के 10 देश। दोस्तों, गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक सोने का भंडार अमेरिका के पास है। गोल्ड रिजर्व के साथ अमेरिका इस सूची में नंबर 1 पर है, और इस सूची में नंबर 1 पर रहते हुए अमेरिका ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया क्या अमेरिका लगभग हर मामले में दुनिया में नंबर 1 देश है। दूसरे नंबर पर फोर्ब्स के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के साथ जर्मनी है। दोस्तों, वैसे तो इस सूची में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश है, लेकिन अमेरिका से अगर जर्मनी के गोल्ड रिजर्व की तुलना की जाए तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों अमेरिका हर मामले में शीर्ष पर रहता है। जर्मनी के बाद तीसरे नंबर पर इटली मौजूद है, और इटली के बाद 88 टन गोल्ड रिजर्व के साथ फ्रांस चौथे नंबर पर है। दोस्तों, इस सूची में पांचवें नंबर पर रूस का नाम दर्ज है, और छठे नंबर पर गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में चीन मौजूद है। बता दें कि चीन के बाद 40 टन गोल्ड रिजर्व के साथ सातवें नंबर पर स्विट्जरलैंड, और इस रैंकिंग में जापान आठवें नंबर पर है। दोस्तों, हमारा भारत इस रैंकिंग में 78 टन गोल्ड रिजर्व के साथ नौवें नंबर पर है, जबकि 612.25 टन गोल्ड रिजर्व के साथ दसवें नंबर पर नीदरलैंड है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में शीर्ष के 10 देशों में ना तो यूके का नाम है और ना ही सऊदी अरब का। बता दें कि सऊदी अरब गोल्ड रिजर्व के साथ फोर्ब्स के अनुसार जारी किए गए गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में 16वें नंबर पर, गोल्ड रिजर्व के साथ यूके 87वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि भारत भले ही फोर्ब्स अनुसार 800.38 टन गोल्ड रिजर्व के साथ 9वें नंबर पर है, लेकिन भारत के नागरिकों और मंदिरों में भी ढेर सारा गोल्ड मौजूद है, जिससे कि भारत इस मामले में और भी कई देशों को पछाड़ सकता है।
दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश भी बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में शीर्ष के 10 देशों के बारे में जाना, आइए अब यह जान लेते हैं कि गोल्ड रिजर्व्स वास्तव में क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी है गोल्ड रिजर्व्स? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने ये बताया कि गोल्ड रिजर्व किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है, लेकिन अगर इसे अच्छे से समझें तो वास्तव में किसी भी देश के लिए गोल्ड रिजर्व रखने के एक नहीं बल्कि कई जरूरी कारण हैं। सबसे पहला जरूरी कारण तो ये है कि किसी भी देश के सोने को मूल्य के एक स्थिर और विश्वसनीय भंडार के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व उतना ही उस देश के सोने का मूल्य स्थिर। दोस्तों, कोई भी देश सोना जमा करके अपनी वित्तीय अनिश्चितता के समय अपनी आर्थिक स्थिरता दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त कई देशों के सोने ने ऐतिहासिक रूप से देश की मुद्रा के मूल्य का समर्थन करने में एक अहम योगदान दिया है। इन दोनों जरूरी कारणों के अलावा गोल्ड रिजर्व्स इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के लिए भी काफी अहम होते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल जब डॉलर की कीमत घटती है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, जिससे सेंट्रल बैंक को मार्केट की अस्थिरता के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व की रक्षा करने की परमिशन मिल जाती है, और ऐसे में गोल्ड रिजर्व इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कि कुछ देश व्यापार में संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याओं से निपटने या सुलझाने के लिए या फिर कर्ज के लिए सोने का उपयोग करते हैं। दोस्तों, गोल्ड रिजर्व होने के जरूरी कारणों और इससे होने वाले फायदे को जानकर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि गोल्ड रिजर्व किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में किसी भी देश की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि तमाम जरूरतों के अलावा सोना संकट के दौरान किसी भी देश को बचाने का कार्य करता है, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सोने की कीमत अक्सर आर्थिक मंदी या भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के जरिए आपने गोल्ड रिजर्व रैंकिंग की जारी सूची में मौजूद शीर्ष के 10 देशों के बारे में जानने के साथ ही ये भी जाना कि गोल्ड रिजर्व क्या है, ये किस तरह से किसी भी देश के लिए जरूरी है और इसका इस्तेमाल कब और किस तरह से किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो फिलहाल आज की इस खास वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।